सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऐसे टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 15,000 रुपये से कम की कीमत पर देखने को मिलते हैं। इस रेंज में 5G फोन ले रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आज की वीडियो आपकी कंफ्यूजन दूर बिल्कुल कर देगी, क्योंकि स्मार्टफोन मैंने काफ़ी कमाल के लिए हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G नहीं है, ये स्मार्टफोन गेमिंग के मामले में या फिर कैमरा क्वालिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट की दोस्तों शुरुआत करें तो लिस्ट में दोस्तों हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन ही सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों मेरे एक काफ़ी कमाल का पसंदीदा स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर। कोई मेरे से पूछता भी है तो मैं भी इसी की सलाह देता हूँ, वो है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। जी हाँ दोस्तों, प्राइस की अगर शुरुआत में बात करें तो वो है 13,990 रुपये, बेस वेरिएंट 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज भी आप 14,990 रुपये में ले सकते हैं, यानी कि 15,000 से कम की रेंज में ही दोनों वेरिएंट आप ले सकते हैं। सो ये दोस्तों इसके प्राइस है। अब दोस्तों फीचर्स की अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये इंडियन मार्केट में 21 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ये रन करता है, और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में सैमसंग एक्सिनोस 1330 चिपसेट दिया गया है, ये 5 नैनोमीटर पर रन करता है, प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, 50 का मेन है, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ है। फ्रंट में देखने को मिलती है आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि इन्फिनिटी वी डिजाइन के साथ आती है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में एक 6000mAh की बैटरी है, 25V का फास्ट चार्जर है, अडेप्टर आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर नहीं आता है, 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल देखने को मिलती है, और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फीचर्स के मामले में ओबियसली काफ़ी कमाल का है, 5G भी काफ़ी कमाल का है। मेरे 2-3 जानकार ने जब मैं से पूछा था तो मैंने भी यही सलाह दी थी, सैमसंग गैलेक्सी M14 एक काफ़ी अच्छी चॉइस है 15,000 से नीचे एक 5G स्मार्टफोन की चॉइस के लिए। सो ये दोस्तों लिस्ट का पहला स्मार्टफोन है। आप दोस्तों लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं अगर आप सैमसंग की ब्रांडिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। चलिए सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो वो दोस्तों हमारा है रियलमी की ब्रांडिंग के साथ Realme 9i 5G। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन तो काफ़ी कमाल का है डिज़ाइन वाइज, लेकिन फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस की शुरुआत में बात करें तो वो है 14,999 रुपये, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जो कि इसका बेस वेरिएंट है। साथ ही अगर फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 810 चिपसेट, ये कमाल का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर रन करता है। और हाँ दोस्तों, लॉन्च ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 24 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स ये काम करता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर। और इसी के साथ दोस्तों और फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन में 6.6 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ कैमरे की बात करें तो सेम सेंसर देखने को मिलते हैं सैमसंग जैसे, जैसे कि 50 का मेन, 2 का माइक्रो, 2 का डेप्थ है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18V का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल देखने को मिलती है। फीचर्स इसके भी काफ़ी कमाल के हैं, डिजाइन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि डिजाइन वाइज कौन सा बेस्ट है, रियलमी 9i सबसे बेस्ट है। सो ये दोस्तों लिस्ट का सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन है। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के तीसरे और आखिरी 5G स्मार्टफोन। सो लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है मोटला की ब्रांडिंग के साथ मोटला G62 5G। ये भी फोन दोस्तों गेमिंग के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। तो स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में 19 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स ये काम करता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, और प्राइस की दोस्तों है 15,499 रुपये, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। हाँ इसका बेस वेरिएंट इतना ही है, 4GB होता तो शायद ये काफ़ी कम प्राइस में होता, लेकिन इसकी प्राइस है 15,499 रुपये। प्राइस के मामले में मत जाइएगा, स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का है, इसको आप प्राइस लीजिएगा 15,000 के आसपास ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस आप एक्स्ट्रा खर्च करने नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है तो आप 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये दोस्तों इसकी प्राइस है। अगर फीचर्स की बात करें दोस्तों, स्मार्टफोन में कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 695 आपको चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है बैक में कैमरे के 3 सेंसर, 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक 5000mAh की बैटरी है, 20V का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और डॉल्बी साउंड क्वालिटी सपोर्ट देखने को मिलता है। सो फीचर्स सुन के ही आप समझ गए होंगे कि काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराता है मोटला G62 5G। सो दोस्तों लिस्ट में तीनों में से बेस्ट आपको कौन सा 5G स्मार्टफोन ज्यादा समझ में आता है, पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरे से आप पूछना चाहेंगे तो मैं तो सीधी सीधी सलाह दूंगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G की तरफ। बेस्ट फोन है ब्रांडिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में, डिज़ाइन के मामले में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपको फीचर ज़्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं मोटला G62 5G की तरफ।
ज़्यादा फीचर्स के लिए, यानी कि गेमिंग या फिर कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज, वो आपको G6 से 25G में ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन सैमसंग का स्मार्टफोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, उसकी तरफ आप आँख बंद करके जा सकते हैं। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे दोस्तों अच्छी को नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।